मम्मी या मेरे को मैसेज समझ नहीं आ रहा, समझा? कौन सा मैसेज नहीं समझ में आ रहा है? देखो, मैसेज फ्रॉम रमण महर्षि। हाँ। अच्छा, रमण महर्षि का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वो एनलाइटेंड मास्टर थे। हमारे हिंदू संस्कृत में उनको हिंदू साधु कहा जाते थे, लेकिन वो एक एनलाइटेंड मास्टर थे बेटा। वो कहते हैं कि इस धरती पर आप अपने स्वयं के इरादों के आधार पर विभिन्न पाठ सीखने के लिए इस धरती पर आते हैं। जीवन, वो क्या कहते हैं कि जीवन है ना, एक सीखने की अवधि है। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, जिसने भी यहाँ पे जन्म लिया है, उस प्रत्येक व्यक्ति को वो सलाह देते हैं कि अधिक से अधिक पाठ सीखे। और वो बोलते हैं कि कृपया करके लाइफ डिज़ाइन जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें कि हमारी लाइफ डिज़ाइन ये है, हमारी लाइफ डिज़ाइन वो है। बोलते नहीं, कृपया लाइफ डिज़ाइन जैसे बड़े शब्दों को भूल जाएं और हर स्थिति में, हर दिन पूरी तरह से अधिक फुल अवेयरनेस के साथ जिए। इससे न केवल आपके सीखने का विस्तार होगा बल्कि आपकी चेतना का भी विस्तार होगा। एक बार, वो कहते हैं कि एक बार आप अपने जीवन के हर मिनट को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं तो आप हर मिनट से सीखते हैं जिसके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। एक बार जब आपने हर पल को जान जाते हैं, सीखते हैं, आप पूरे इस ब्रह्मांड के, इस नेचर के रहस्यों के बारे में भी सीखते हैं। सी नेचर देख बेटा, कितना नेचर अपने आप ही काम कर रहा है, हमें उसको कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, वो उन नेचर के भी रहस्यों को भी हम जान सकते हैं कि अगर हम फुल अवेयरनेस के साथ जिएंगे तो। कैसे नेचर बिना किसी के कहे रात और दिन अपने आप ही काम कर रहा है ना, इसीलिए हमें अगर नेचर के रहस्यों को भी जानना है तो फुल अवेयरनेस के साथ जीना है। वो कहते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द जो शिष्य थे ना, उनके जो डिसाइपल्स थे, वे उन्हें कोई शिक्षा नहीं दिया करते थे और न ही कोई उनको रहस्यमय शक्ति दिखाया करते थे। क्षमा करें, वो क्या बोलते हैं कि क्षमा करो कि उनको मैं शिष्य नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जो उनके डिसाइपल्स हैं ना, वो इर्द गिर्द जो रहते थे, वो उनको मटीरियलिस्टिक बून प्राप्त करने के लिए रहते थे। उनसे कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आगे आध्यात्मिक कैसे हम प्रगति करें, उनके लिए नहीं जी रहे थे। वो उनसे सिर्फ वरदान प्राप्त करने के लिए जी रहे थे। और वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा बातूनी भी नहीं था और ना ही मैं पढ़ा लिखा था, और जिन शिष्यों ने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया है या किताबों में दर्ज किया है, वो शिष्य प्रबुद्ध नहीं थे, मतलब एनलाइटेंड नहीं थे। तो उन लोगों ने जो कुछ लिखा है वो उनके आधार पर ये सब कुछ लिखा गया है। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि वो फिनिश कर रहे हैं, आगे अरुणा मैडम को क्या बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप जो, आपकी जो ये ग्रुप स्पिरिचुअलिटी के ग्रुप से आप जुड़ी हुई हैं, जो गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत से अधिक लोग आपके इस ग्रुप से जुड़े। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग आपकी इस बातों को, स्पिरिचुअलिटी की बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें, ध्यान को अपनाएं और जितनी भी आपकी ग्रुप में गतिविधियाँ हो रही हैं उनसे अधिक से अधिक भाग लें। तो ये है उनका, महर्षि का, रमण महर्षि का संदेशा जो उन्होंने अरुणा माध्यम के माध्यम से हमें कहा है कि फुल अवेयरनेस के साथ जीना है। ओके बेटा, ओके। Okay.